है और क्या कौन कौन से मसले थे नीति आयोग में आपने उठाए और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हुई है? देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरी कल काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमने जो शानन विद्युत प्रोजेक्ट है जिसकी लीज खत्म हो रही है उस लीज के संदर्भ में हमने उनसे बात की और कहा कि इसकी लीज खत्म हो रही है, ये शानन विद्युत प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश जनता का उस पर अधिकार है। उस मामले पर उन्होंने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद इस पर आपको आगे बताएंगे। दूसरा मसले हैं कि हिमाचल के जो अधिकार है, अब हिमाचल के पास जो बहता हुआ पानी है वही हमारा पास रॉ मटेरियल है, वही हमारे पास बहता हुआ सोना है। हमने कहा कि NTPC, NHPC और SJBNL उस समय हालात ऐसे थे कि प्रोजेक्ट लगाते थे हम और हमें 12% फ्री पावर रॉयल्टी के तौर पर देते थे। अब जो प्रोजेक्ट होता है वो 12 साल में फ्री हो जाता है। जब उनका डेट फ्री हो गया और सब कुछ फ्री हो गया तो हमने उनसे कहा कि आप कम से कम, हमने आपको जीवन भर के लिए प्रोजेक्ट दे दिया है, हमारी आय बढ़ नहीं पाएगी, हम पहले ही आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमने NTPC, NHPC और SJBNL को दे दिया, तो आप उसमें हमारी रॉयल्टी का जो शेयर है वो 30% बढ़ाइए, 50% बढ़ाइए, क्योंकि आप डेट फ्री हो गया। उन्होंने कहा कि उस पर भी हम विचार करेंगे। तीसरा, हमने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स है, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट के मामले पर हम राज्य के इंटरेस्ट को बेच दें। पिछली सरकार ने जो MOU साइन किए हैं उसमें जो हमको फ्री पावर की रॉयल्टी मिलनी है वो 12 साल तक उन्होंने डेफर कर दिया है और हमने उनको लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट दे दिया है। हमने कहा कि हम खुद बनाएंगे, हम खुद बना सकते हैं, हम अपने लोगों को कब तक कर्जे के बोझ के तले दब सकते हैं, उसके संदर्भ में हमने उनसे बात की है। और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि और प्रोजेक्ट हम तभी आगे देंगे जहां हमारे को फ्री रॉयल्टी की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी और जिससे हमारी आय होगी। इस दृष्टिकोण से मैंने उनसे बात की है। फिर से दिल्ली नहीं, आज मैं फिर से मंत्रिमंडल की संभावना तो हमेशा रहती ही है, लेकिन आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत है। 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम NPA के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन के लिए देते थे उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है और इस संदर्भ में मैं पूरे अधिकारियों की टीम के साथ आज शाम को हमारी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है। दूसरी मुलाकात हमारी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर से है, क्योंकि हिमाचल की सारी भूमि फॉरेस्ट से संबंधित है। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने हैं, हमने हेलीपोर्ट बनाने हैं, हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। इस दृष्टि से हम उनसे कह रहे हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम अपने विकास को गति प्रदान कर सकें, तो उनसे भी मेरी आज मुलाकात है। इन दो मुलाकात के बाद फिर उनसे क्या निकलता है वो आने वाले समय ही बताएगा। देखिए, जो डॉक्टर्स लगे हैं और जो हड़ताल पर गए हैं उनका तो NPA बंद नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जिनको NPA मिल रहा है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। NPA कोई बंद नहीं किया गया, विड्रॉ किया गया था। एक नियम है, इस नियम के तहत डेंटल डॉक्टर के रिटर्न में इंटरव्यू होने हैं। डेंटल डॉक्टर का एक डेपुटेशन हम लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से पोस्टें नहीं निकल रही है, आप कृपया करके डेंटल डॉक्टर की कुछ पोस्टें निकालिए। तो हमने कहा हम निकालते हैं। और एक मसला हमारे ध्यान में आया कि डेंटल डॉक्टर हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, वेटरनरी डॉक्टर हो गए और एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उन सबको NPA मिलता था। तो डेंटल डॉक्टर ने ही खुद बोला कि आप हमारे लिए पोस्टें निकाल दो और हमें NPA की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे सरकारी रोज़गार दो।
तो एक नियम के तहत उसमें बदलाव किया गया, उसमें सभी डॉक्टर्स आगे, उसमें एलोपैथिक भी आ गए, आयुर्वेदिक भी आ गए, वेटनरी भी आ गए। अब हमने 38 डेंटल डॉक्टर की पोस्टें निकाली है, वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकारी रोजगार चाहिए, हम 3000 के करीब रोजगार है जिन्होंने लाखों रुपया डेंटल डॉक्टर में, हमने कहा कि हम आपको पोस्टें निकाल रहे हैं, हमने कैबिनेट में सेंक्शन किया। तो उसी समय एक नियम आया, उस नियम में ये कहा गया कि जो डेंटल डॉक्टर के इंटरव्यू है वो एनपीए नहीं लेना चाहते, उसमें बदलाव किया गया। इसलिए ये जो डॉक्टरों की बात है, पहले इस बात को समझना चाहिए था और मेरे हमसे बात करनी चाहिए थी और हमने उनको बात समझानी थी। जब डॉक्टरों की पोस्टें एलोपैथिक की निकलेगी, जब डॉक्टरों की एलोपैथिक की निकले तो जो विड्रॉ किया उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है कि आप जिनको एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल कर रहे हैं। अभी जब नई डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी उस समय वो मुझसे मांग करेंगे, तो उस पर हमारे को विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी कहूँगा कि आप कृपा करके, आप सबको एनपीए मिल रहा है, आप सबको एनपीए से रोका नहीं गया है, और आप कृपा करके आप अपना काम कीजिए। जब नई पोस्टें निकलेगी और डॉक्टर के जो हमें एसोसिएशन होगी, हम इस पर विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।